नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन इज पॉजिटिव नाउन. पॉजिटिव नाउन्स आर यूज टू शो बिलोंगिंग. पॉजिटिव नाउन्स हम उन नाउन को कहते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि एक पर्टिकुलर चीज़ किसको बिलोंग करती है, एक चीज़ का ओनर कौन है, मालिक कौन है. ये बिलोंगिंग शो करने के लिए हम एपोस्ट्रफी या फिर एपोस्ट्रफी एस का इस्तेमाल करते हैं नाउन्स के साथ. एग्जांपल देखिए, राम्स बाइक, जॉन्स बुक्स. तो हम बिलोंगिंग दिखा रहे हैं ना कि ये बाइक किसको बिलोंग करती है, ये बाइक किसकी है, राम की है. तो राम, उसके बाद हमने क्या लगाया, एपोस्ट्रफी एस. ओके, तो राम्स क्या है, पॉजिटिव नाउन है. सिमिलरली जॉन्स क्या है, पॉजिटिव नाउन. अब इसके थ्री केसेस हैं. फर्स्ट है, फॉर प्लूरल नाउन्स एंडिंग इन एस वी ऐड ओनली द एपोस्ट्रफी आफ्टर द नाउन टू शो पोजिशन. अगर हमारा नाउन प्लूरल है, देखिए लायंस फुटप्रिंट्स, तो हम सिर्फ और सिर्फ एस के बाद क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रफी लगाते हैं, एपोस्ट्रफी एस नहीं लगाते हैं. सिमिलरली वैस्ट नेस्ट, तो हमने अपने प्लूरल नाउन के बाद सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रफी लगाई है, एपोस्ट्रफी एस नहीं लगाई है, क्योंकि हमारा नाउन प्लूरल है. सेकेंड कंडीशन इज, जब हमारा प्लूरल नाउन एस में एंड करता है, मतलब कि किसी जगह का या किसी पर्सन का या किसी एनिमल के नाम के एंड में लास्ट में क्या आए, एस आए, तब भी हम सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रफी लगाते हैं. पूरे नाम के बाद एस के बाद क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रफी सिर्फ लगाते हैं, एपोस्ट्रफी एस नहीं लगाते हैं. जेम्स गिटार, चार्ल्स हैट. एंड थर्ड कंडीशन इज फॉर कंपाउंड नाउन्स, एपोस्ट्रफी इज एडेड टू द लास्ट वर्ड टू शो पोजिशन. कंपाउंड नाउन हम इन्हें किन्हें कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिस्टर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, ये सब कंपाउंड नाउन हैं. तो कंपाउंड नाउन में हम क्या कहते हैं, पहले अपना पूरा नाउन लिखते हैं, फिर एकदम एंड में लास्ट वर्ड के बाद एपोस्ट्रफी एस लगाते हैं. इस तरह से हम पोजिशन शो करते हैं. सिस्टर इन लॉज हाउस, कमांडर इन चीफ्स बैज. ऐसा नहीं कहेंगे कि एपोस्ट्रफी कमांडर के बाद लगा देंगे या सिस्टर के बाद लगा देंगे. जब पूरा नाउन एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर लास्ट वर्ड के साथ लगाएंगे एपोस्ट्रफी एस.